अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ अच्छे लैपटॉप्स के बारे में जो कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और मैं बात साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको एक लैपटॉप खरीदने से पहले ध्यान में रखना है और कौन कौन सी चीजें जो आप अवॉइड करें जो आप अपने लैपटॉप में ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लैपटॉप्स के लिए जो कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद सकते हैं। क्लास तक के लैपटॉप्स के बारे में आज बात नहीं करेंगे, हम लोग एक बेसिक मिड रेंज के लैपटॉप्स के बारे में बात करेंगे। और मैं कुछ चीजें आपको जो बताने वाला हूँ वो उन चीजों का आप ध्यान दीजिएगा, लाइक जो आपको लैपटॉप खरीदने से पहले ध्यान देना है। तो जैसे कि सबसे पहली चीज होती है लैपटॉप का आपका स्टोरेज। अगर जो आपको सस्ते लैपटॉप्स होते हैं तो सस्ते लैपटॉप्स में आजकल क्या होता है, आपको EMMC स्टोरेज जो कि देने लगे हैं। तो आप EMMC स्टोरेज वाले लैपटॉप्स मत लीजिए, वो आपको लॉन्ग रन में काम नहीं आएंगे। तो मैं बेसिकली आपको बताता हूँ EMMC स्टोरेज का नुकसान क्या आपको होता है। जो आपके EMMC स्टोरेज होते हैं वो आपके बोर्ड पे ऑन बोर्ड, जैसे आपके मोबाइल फोन का जो स्टोरेज होता है आपके मदरबोर्ड के ऊपर इंटीग्रेटेड होता है, तो सेम उसी तरीके से जो आजकल EMMC के बोर्ड्स आते हैं तो उनका जो स्टोरेज होता है वो मदरबोर्ड पे इंटीग्रेटेड होता है। तो अगर आप फ्यूचर में उसको अपग्रेड करना चाहें तो आप इंटरनल स्टोरेज को कभी अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। आपका OS इंस्टॉलेशन, तो जो आपका इंटरनल स्टोरेज होता है आप उसी के ऊपर अपना OS रन कर सकते हो। अगर आप सोचेंगे कि आप उसमें अपना लिनक्स डाल लें या एडिशनल कोई चीज एंटर करें, तो जैसे कि अगर आप सोचते हैं कि आप EMMC स्टोरेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाए, वो चीज भी आप उसमें नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो EMMC स्टोरेज आपको मिलता है तो जनरली आपको सस्ते लैपटॉप में 32 GB और मैक्स टू मैक्स 64 GB का आपको स्टोरेज मिलता है, तो जो कि आपको काफी दिक्कत दे सकता है। बिकॉज जो विंडोज का अपना खुद का इंस्टॉलेशन होता है वो खुद में ही अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 GB का स्टोरेज कंज्यूम करता है। उसके बाद में आपके कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर, MS Office आपका, गूगल क्रोम और ये सारी, तो अपने आप में काफी सारा स्टोरेज कंज्यूम कर जाता है। तो इसलिए आप EMMC मेमोरी को मत लीजिए। आप जो भी लैपटॉप ले रहे हैं तो सबसे पहले उसमें ध्यान दीजिए आपको या तो हार्ड डिस्क मिल रहा हो यानी कि HDD आपको जो मिल रही हो या फिर आपको SSD मिल रहा हो, तो ये दो नो चीजें आपके लिए रिलायबल रहती हैं। बट सस्ते लैपटॉप्स में आपको SSD देखने को नहीं मिलेगा, आपको जनरली सारे सस्ते लैपटॉप्स में हार्ड डिस्क ही देखने को मिलता है। तो आप हार्ड डिस्क वाले लैपटॉप्स पे जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रैम की। तो रैम, आप कोई सी भी आपको रैम मिल रही है, DDR2 हो, DDR3 हो या DDR4 हो, आप किसी भी वेरिएंट का लैपटॉप ले सकते हैं, आपको रैम को लेकर कोई खास इशू नहीं आने वाला है। बट आई सजेस्ट, जैसे अभी रिसेंट टाइम में सबको विंडोज 10 मिल रहा है, तो जो रिसेंट लाइक जो लेटेस्ट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो विंडोज 10 है। तो विंडोज 10 को स्मूथली रन करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप ऐसा लैपटॉप लें जिसमें मिनिमम आपको 4 GB का रैम मिल रहा हो। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोसेसर के ऊपर। तो प्रोसेसर आप जो अवॉइड करना है आपको, सबसे पहले आपको इंटेल का एटम प्रोसेसर अवॉइड करना है या AMD का जो भी आता है। तो जो भी आपको एटम प्रोसेसर वाले कंप्यूटर्स मिल रहे हैं आप उन कंप्यूटर्स को टोटली अवॉइड कर दीजिए, उनकी तरफ आप बिल्कुल मत देखिए। क्योंकि जो एटम प्रोसेसर्स होते हैं वो अपने आप में काफी लिमिटेड प्रोसेसर होते हैं जिनमें आप काफी सारी प्रोसेसर्स को हैंडल नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप कई जगह पर आके उसमें अटक जाते हो। उसके अलावा जिस प्रोसेसर पे आप जा सकते हो, आप मिनिमल कोई भी ड्यूल कोर प्रोसेसर आप चाहें तो आप कोई भी ड्यूल कोर प्रोसेसर ले सकते हो। आप Pentium ड्यूल कोर ले सकते हो, आप AMD का ड्यूल कोर प्रोसेसर ले सकते हो, A3, A6, A4, काफी सारे प्रोसेसर ऑप्शन आते हैं, आप वो प्रोसेसर पे आप जा सकते हैं। उसके अलावा जस्ट आपको जो नहीं लेना है वो आप इंटेल आइटम के प्रोसेसर पे मत लीजिए। बिकॉज अगर आपको सिंपल सिर्फ आपको एक्सेल शीट बनाना है और इंटरनेट चलाना है और मूवी देखना है, एटम आपके लिए सफिशियंट है, बट इससे ज्यादा आप उस डिवाइस से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको, तो अगर आप एक इंटरमीडिएट यूजर के पर्पस से देखना चाहें, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी प्रोग्रामिंग वहां पे करते हैं या आप अपने बेसिक कोई डिजाइनिंग वहां पे करना चाहें, तो एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि आप उसको फ्यूचर में अगर आपको कोई चीज पे आप लैग ना करो, एटलीस्ट समथिंग सम, अगर आप 20,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 22,000 का, तो आपको ये नहीं फील आना चाहिए कि एक साल बाद मेरा ये सिस्टम यूजलेस हो गया, ये मेरे किसी काम नहीं आ रहा है। तो इसलिए आई सजेस्ट डोंट गो फॉर एटम प्रोसेसर, गो फॉर एनी मिल प्रोसेसर अबव द ड्यूअल कोर। तो ड्यूअल कोर के बाद आपके पास काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप i3 होता है, i3 ऑब्वियसली बात है, इतने कम बजट में आपको i3 नहीं मिलेगा,
तो बट यू कैन गो फॉर सेलरॉन के काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि आप सेलरॉन सीरीज में जा सकते हो, एएमडी के काफी सारे प्रोसेसर आते हैं A3 A4 और समथिंग, तो आप वो प्रोसेसर देख सकते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात आती है तो अगर आप विंडोज के साथ में लैपटॉप लेते हो तो जनरली आपके कोई भी लैपटॉप आप विंडोज के साथ में अगर लेते हो तो आपकी प्राइस सीधा 4,000 to 5,000 किसी भी बेस लैपटॉप के ऊपर इंक्रीज हो जाता है। अगर कोई लैपटॉप आपको 20,000 का मिल रहा है, अगर आप वही इसमें विंडोज के साथ उस लैपटॉप को लेते हो तो वो आपको 24,000 to 25,000 का मिलता है। तो अगर आप उस जगह पर अपना कॉस्ट कट करना चाहें तो आप उस जगह पर अपना कॉस्ट कट कर सकते हो। और जो आपका लैपटॉप फिर आपको मिलता है वो डॉस के साथ में आपको जनरली मिलता है, तो उस डेस्कटॉप लैपटॉप में आप विंडोज इंस्टॉल खुद से कर सकते हो। आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से विंडोज को डाउनलोड कीजिए और आप उसको ट्रायल में उसको यूज कर सकते हो। तो ये एक आपका इस तरीके से आप उसको कॉस्ट बचा सकते हो। बाकी ट्रायल वर्जन में आपको कोई इश्यू नहीं आता, लाइक टोटली आपको जो फुल विंडोज वर्जन होता है सेम वही वर्जन उसके अंदर होता है, बस आपके कुछ फीचर्स डिसेबल हो जाते हैं, जैसे कि आपका वॉलपेपर आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप अपनी सेटिंग्स को सारा डिटेल एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं तो जो आपको लिमिटेशंस लग जाती है ट्रायल वर्जन के अंदर में। अगर आपके पास बजट है उतना ओरिजिनल विंडोज के लिए लाइक फुल वर्जन के लिए तो आप फुल वर्जन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उस चीज के लिए। तो लाइक ये तीन चीजें मैं आपको मेन बताई जिन चीजों पर आपको ध्यान देना है, आपका हार्ड डिस्क यानी कि स्टोरेज आपको ध्यान देना है, आपको मेमोरी यानी आपकी रैम पर आपको ध्यान देना है, और आपका परफॉर्मेंस जो कि प्रोसेसर, इन तीन चीजों पर आपको ध्यान देना है। तो उन तीन चीजों को ध्यान रखते हुए आप जब भी नया लैपटॉप खरीद रहे हैं तो उसको ये चीजों को सबसे पहले फोकस पर रखेगा। लाइक मेमोरी आपको जो आपका स्टोरेज है आपको EMMC स्टोरेज नहीं लेना है, रैम आपका कोई भी हो बट मिनिमम 4GB रैम आपको लेना है, और लास्ट है हमारा प्रोसेसर जो कि आपको इंटेल का एटम प्रोसेसर अवॉइड करना है। इंटेल के एटम प्रोसेसर आपको नहीं लेना है, या तो इधर गो फॉर सेलरॉन और ड्यूअल कोर के अब आपके कोई भी प्रोसेसर या फिर AMD सीरीज के प्रोसेसर आपको लेने हैं। तो अब मैं आपको कुछ बेसिक लैपटॉप्स यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो जो आपको स्क्रीन पे साथ साथ में देखते जाएंगे, लाइक कुछ लैपटॉप्स हैं जो आप ले सकते हो। आपको अगर आपका बजट 20,000 तक की रेंज, 20,000 से 22,000 की रेंज में अगर आपका बजट है तो ये लैपटॉप्स आप ले सकते हो। तो जैसे कि एक लाइव डिजिटल कंपनी है तो उन्होंने रिसेंटली अपने लैपटॉप लॉन्च किए हैं, तो लाइक इस कंपनी के लैपटॉप इस टाइम पर सबसे चीपेस्ट लैपटॉप आपको इंडस्ट्री के अंदर मिलेगा। तो लाइक ये आपको 20,000 की रेंज में आपको i3 प्रोसेसर के साथ में लैपटॉप देता है। तो इसका जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताता हूँ, तो लाइक इसका जो मॉडल है लाइव डिजिटल सीरीज, तो लाइक ये लाइव डिजिटल का Z सीरीज का लैपटॉप है। इसके अंदर में आपको 4GB रैम मिलती है, 1TB का हार्ड डिस्क आपको इसके अंदर मिलती है, और आपको इसके अंदर डॉस मिलता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था आपको विंडोज नहीं मिलेगी, आपको इसके अंदर डॉस मिलता है, यानी आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो आप जैसे मैंने बताया आप इसको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करके आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं वो चीज। और इसके अंदर जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो आपका कोर i3 फिफ्थ जनरेशन प्रोसेसर है, काफी अच्छा प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और ये जो लैपटॉप है आपको इसके अंदर 15.6 इंचेस का स्क्रीन साइज मिलेगा, और साथ ही साथ ये लैपटॉप एक साल की वारंटी के साथ आता है। तो अगर आपको एक साल में कोई तो गलती से, वैसे उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉब्लम ना है, अगर इनकेस आपको कुछ प्रॉब्लम हार्डवेयर को रिलेटेड आती है तो आप कंपनी को रीच आउट कर सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। तो मैं नेक्स्ट से बात कर रहा था AMD प्रोसेसर्स की, तो जो नेक्स्ट लैपटॉप है हमारे पास HP का है, उसके अंदर आपको AMD का A6 ड्यूअल कोर प्रोसेसर मिलता है। तो ये जो लैपटॉप है इसके अंदर भी आपको 4GB का रैम, 1TB का स्टोरेज आपको इसके अंदर मिलता है, और तो इसका जो स्क्रीन साइज है 14 इंचेस का आपको इसके अंदर स्क्रीन देखने को मिल जाता है। वही अगर आपका बजट 25,000 तक की रेंज में अगर एक्सटेंड होता है तो Z Lite Digital का सेम लैपटॉप आता है, बट उसी में आपको हार्ड डिस्क जगह SSD मिल जाती है, तो SSD से आपका परफॉर्मेंस 4 times बेटर हो जाता है। तो लाइक जो मैंने आपको बताया था उसमें आपको 1000GB का हार्ड डिस्क मिलता था, और इसके अंदर आपको मिल रहा है 128GB का SSD, और आप चाहें तो इसको अपग्रेड भी कर सकते, काफी सारी SSD आती हैं वो लेकर उसको अपग्रेड कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ऑप्शन, अगर आपको हार्ड डिस्क नहीं चाहते, आपको SSD कंपनी से लगी हुई है, तो आप इस ऑप्शन को भी देख सकते हैं। और सेम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ओरिजिनल विंडोज लेते हैं तो ओरिजिनल विंडोज के साथ में लैपटॉप का प्राइस 4-5,000 इंक्रीज हो जाता है। तो जो लाइव डिजिटल का जो लैपटॉप था 20,000 का, उसी को अगर आप विंडोज के साथ में लेते हैं तो ये लैपटॉप आपको 25,000 का कॉस्ट करेगा। तो ये भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बाकी ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन सारे आपको सेम मिलते हैं, इसके अंदर भी आपको 4GB का रैम, 1TB का हार्ड डिस्क, और आपका 15 इंच का डिस्प्ले, और 1 ईयर की वारंटी, और कोर i3 फिफ्थ जनरेशन आपको उसको देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं हम लोग क्रोमबुक्स की। तो क्रोमबुक्स अगर आप एक बेसिक यूजर हैं, आपको लाइक सिंपल अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स, एक्सेल शीट्स, गाने लाइक म्यूजिक, मूवीज, ये सब चीजें ही करना है, तो आप एक बेसिक क्रोमबुक के लिए ऑप्शंस में जा सकते हैं। क्रोमबुक इज जस्ट मोर देन लाइक
क्रोमबुक लाइक ज्यादा से ज्यादा आप कोई बेसिक एग्जांपल तू तो वो आपका एक डिस्प्ले लाइक बड़े डिस्प्ले में आपको एंड्रॉइड फोन है आपका जिसके अंदर में आपको काफी सारी चीज लिमिटेड रहती है। आपके जो सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है क्रोमबुक के लिए काफी लिमिटेड सॉफ्टवेयर आते हैं, लाइक जो आपको गूगल स्टोर पे जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं आपकी क्रोम के अंदर में वही सॉफ्टवेयर आपको क्रोमबुक के अंदर देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ में कुछ लिनक्स के डिस्ट्रोस में जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो आपको वहां पे मिल जाते हैं। बाकी आपके इस डिवाइस के अंदर आप काफी लिमिटेड होते हो और इन क्रोमबुक के अंदर आप दूसरा कोई ओएस इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज द रीजन अंदर भी आपको ईएमएमसी मेमोरी देखने को मिलती है। तो ईएमसी मेमोरी का सबसे ज्यादा नुकसान यही हर जगह पर कि आप इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते फ्यूचर में। तो लाइक एक दो साल बाद आप डिवाइस से बोले तो ये डिवाइस आपकी कचरा हो जाती है, किसी मतलब की नहीं है। लाइक आपके फोन की तरह जो आपके पुराने फोन होते हैं वो यूजलेस हो चुके हैं आज के टाइम में, सेम इन क्रोमबुक और ईएमएमसी वाले डिवाइसेस के साथ में होता है। तो इसलिए आई सजेस्ट कि आप जो भी सिस्टम ले रहे हैं हार्ड डिस्क के साथ वाले सिस्टम लीजिए, तो उन सिस्टम्स को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज और अपग्रेड कर सकते हो आने वाले फ्यूचर में। इससे अगर क्रोमबुक आपके लिए ऑप्शंस लाइक जैसे मैंने आपको बता दिया लाइक जो बेसिक जिनको पावर पॉइंट एक्सेल शीट और इंटेक्ट के अलावा कुछ नहीं करना है मूवीज के अलावा तो वो लोग क्रोमबुक के लिए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, परफॉर्मेंस भी उनको ठीक ही मिलेगा बिकॉज आप उस पर गेमिंग नहीं कर रहे हो, आप उस पर प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हो, तो आप परफॉर्मेंस को लेकर इशू आने वाला ही नहीं है। तो यही थे कुछ लैपटॉप्स जो कि आप 20,000 तक की रेंज में खरीद सकते हो अपने पर्सनल यूज के लिए। और ये नहीं कि अगर आपने 20,000 इन्वेस्टमेंट किया तो सिर्फ आप एक लिमिट तक आके स्टक हो जाओ, ये लैपटॉप्स मैंने आपको जो बताए हैं तो इन लैपटॉप्स को आप अपने नीड के अकॉर्डिंग अपकमिंग फ्यूचर में आप अपग्रेड कर सकते हो। अगर कभी आपको लगता है कि आपको स्टोरेज कम पड़ रहा है तो आप 1 TB का हार्ड डिस्क हटाकर उसमें SSD से आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि उसका इस रैम से स्पीड कम आ रही है तो आप चाहे तो उसकी रैम भी अपग्रेड कर सकते हैं, बट से अगेन जो EMMC वाले सिस्टम्स होते हैं उनमें आपको रैम भी आप अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको 2GB रैम मिला है तो टिल द लाइफ वो आपका 2GB रैम रहेगा, अगर आपको 4GB रैम मिला तो टिल द लाइफ वो 4GB रैम रहेगा। बट इसलिए आप प्रेफर कीजिए आप या तो सेलरॉन ड्यूल कोर या i3 इस टाइप के जो प्रोसेसर है या AMD प्रोसेसर है उन लैपटॉप वाले लैपटॉप्स लीजिए, EMMC मेमोरी वाले बोर्ड्स की तरफ मत जाइए, आप उन लैपटॉप्स को कभी अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। हम लोग वापस से आते हैं रैम अपग्रेड के लिए, तो अगर फ्यूचर में आपको रैम अपग्रेड करना है लाइक 4GB से आपको 4GB में आपका काम नहीं चल रहा है, आपको नीड है ज्यादा की, तो आप उसको अपग्रेड करके 8GB का रैम आप उसमें लगा सकते हैं। या फिर मेन चीज है प्रोसेसर जो होता है वो आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो मेजरली किसी भी लैपटॉप के अंदर, बट हार्ड डिस्क और रैम आप डेफिनेटली अपनी नीड के अकॉर्डिंग कम अपग्रेड कर सकते हो। बैटरी बैकअप की बात की जाए तो सभी लैपटॉप्स में आपको 4 घंटे से 3 घंटे का बैकअप इजिली मिल जाता है, और बैटरी बैकअप बताता है टाइम के साथ में बैटरी बैकअप कोई भी लैपटॉप हो कम होता जाता है। लाइक जैसे मेरा मैकबुक भी है तो आज से मैंने 4 साल पहले जो मैकबुक लिया था तो जो वो 10 से 12 घंटे का बैटरी बैकअप मुझे देता था आज के टाइम में वो 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप मुझे देता है। तो कोई भी बैटरी हो ड्रेन लाइक टाइम के साथ उसकी एजिंग होती है तो वो चीज़ें कम होती जाती है, तो बैटरी का कोई इशू नहीं है। आप उसको अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो आप फ्यूचर में अगर आपकी बैटरी प्रॉब्लम करती है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, नो बिग डील। तो जस्ट ये थे कुछ बेसिक ऑप्शंस आपके लिए, तो जो भी आपको इनमें से पसंद आता है तो आप वो अपने लिए परचेस कर सकते हो, और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक भी दे रहा हूँ तो वहां से जाके आप ये सारे प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो जो भी आपको पसंद आता है। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। मैं हूँ आपका होस्ट शिवम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।